छत्तीसगढ़ में महादेव बुक पर छापे के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुरी तरह से घिरते जा रहे हैं। इधर ईडी का दावा है कि भूपेश बघेल को महादेव ऐप के मालिकों से 508 करोड़ रुपए मिले हैं। इसी बीच महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में एक आरोपी शुभम सोनी खुद सामने आया है। शुभम ने सीएम भूपेश बघेल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल आरोपी शुभम सोनी ने दुबई से एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में वह खुद को महादेव बुक का असली मालिक बता रहा है। उसने इससे जुड़े दस्तावेज भी दिखाए हैं। शख्स ने दावा किया कि सीएम भूपेश बघेल के साथ मीटिंग के बाद वह सितंबर 2020 में दुबई गया था। सीएम ने उससे कहा कि तुम दुबई जाकर अपना काम बढ़ाओ। शख्स ने और क्या क्या दावे किए हैं आप खुद ही सुन लीजिए। मैं शुभम सोनी बोल रहा हूँ और मैं महादेव बुक का ओनर हूँ। ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स। और ये मेरे आधार डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मेरा पास आधार कार्ड है। ये मेरा पैन कार्ड है। और ये मेरा पासपोर्ट है। और महादेव बुक का ओनर मैं ही हूँ। ये आपको डॉक्यूमेंट दिखा दिया मैंने। और 2021 में इसको मैंने चालू किया था। ये उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स है। मेरा गैम्बलिंग का काम बहुत अच्छे से चलने लगा था फिर भिलाई में। और ये तो बहुत ही छोटे से काम चालू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ता गया। काम बढ़ता गया, उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होता गया क्योंकि पैसा बहुत आ रहे थे। तो सब नोटिस करने लगे मेरे, मतलब जो आसपास के लोग हैं वो लोग नोटिस करने लगे। धीरे धीरे बात ऊपर तक गया तो फिर कंप्लेन वगैरह भी होने लगा। तो फिर ऐसा हुआ कि अब प्रोटेक्शन का जब बहुत ज़रूरत था हमको, क्योंकि लड़के भी अंदर हो रहे थे कुछ कुछ। तो उसके बाद मुझे पता चला वर्मा जी के बारे में। फिर मैंने उनसे मीटिंग की। फिर मुझे समझ लो हफ्ता वसूली वाला काम चालू हो गया। अब वर्मा जी से मैंने मीटिंग किया तो फिर उनसे बात हुआ और ये हुआ कि अब उनको मुझे हर महीना 10 लाख रुपए देना है। तो वो भी ओके हो गया। अब हर महीना मैंने उनको 10 लाख रुपए देना चालू कर दिया। तो काम अब बढ़िया चलने लगा मेरा और पैसा भी कमा रहे थे हम। सब कुछ ओके था। उसके कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि हमारे लड़के फिर अंदर हुए। अब वो छूट ही नहीं रहे हैं वापिस। तो मैंने वर्मा जी को कॉल लगाया कि सर अभी कैसे हो गया, आपको तो मैं पैसा भी दे रहा हूँ, उसके बाद भी लड़के अंदर हो रहे हैं और छूट भी नहीं रहे हैं, बाहर निकल ही नहीं रहे हैं वो लोग। तो वो बोले कि चलो करते हैं कुछ। फिर उसके बाद भी लड़के नहीं छूटे। फिर मैंने वापस कॉल किया उनको तो वो बोले कि भैया लगता है अभी यहाँ से काम नहीं होगा, मैं चलो आपको किससे मिलवाता हूँ, ऐसा करके बोले हो। मैं बोला ठीक है सर मिलवा दीजिए, बस लड़के लोग को बाहर निकलवाना है। तो वो मेरे को लेके गए, साथ में लेके गए रायपुर। मैं बोला ठीक है मिलवा लो भैया जिससे भी मिलवाना है। तो वो बोले कि चलो करते हैं कुछ। फिर उसके बाद भी लड़के नहीं छूटे। फिर मैंने वापस कॉल किया उनको तो वो बोले कि भैया लगता है अभी यहाँ से काम नहीं होगा, मैं चलो आपको किससे मिलवाता हूँ, ऐसा करके बोले हो। मैं बोला ठीक है सर मिलवा दीजिए, बस लड़के लोग को बाहर निकलवाना है। तो वो मेरे को लेके गए, साथ में लेके गए रायपुर। मैं बोला ठीक है मिलवा लो भैया जिससे भी मिलवाना है। तो वो बोले कि चलो अब मिलवाता हूँ। हम गए साथ में, वहाँ पर सीएम सर और बिट्टू भैया से हमारा मीटिंग हुआ। ये चीज़ का मैंने पूरा अपना लिख के दे दिया है उसमें रिटर्न स्टेटमेंट में कि क्या हुआ वहाँ, कैसे हुआ, क्या किस बात का डील हुआ, हर चीज़ का स्टेटमेंट मैंने दे दिया अपने रिटर्न डॉक्यूमेंट में। मैं सितंबर 2020 में दुबई आया। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। तो मैं गया और मीटिंग भी हुआ मेरा कई लोगों से। तो दो लोग के साथ मेरा यहाँ बिजनेस भी सेट हो गया और अच्छा खासा काम भी बढ़ने लगा, सब कुछ ओके चलने लगा, जैसा सीएम साहब बोले थे सब बढ़िया हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ दो लोग मिले जो मेरे भिलाई के ही थे, सौरभ और रवि। तो वो लोग से मैं मिला, उनका यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम था।
तो मैंने सोचा मैं भी काम चालू कर लेता हूँ, यहाँ अच्छा काम है ये चीज़। तो मैं उन्हें अपना पर्सनल एडवाइज़र रख लिया ये काम पे, कंस्ट्रक्शन के काम पे। अब इसके बाद हुआ ये कि फेमस ये लोग होने लगे महादेव बुक के नाम से। मैंने बुक खड़ा किया, मैंने बुक चालू किया, फेमस ये लोग हो रहे हैं। मैंने जीरो से चालू करके पूरा ओके आसमान तक पहुंचाया इस बुक को, और फेमस ये लोग हो रहे हैं, बताओ ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, उनको आशीर्वाद नहीं था सीएम साहब का, इसलिए उनको वो फेमस हो गए, ये गलत बात है ना। इस चीज़ का बुरा लगता है बहुत ज़्यादा। एक बात बता रहा हूँ आपको, हमारे सीएम साहब का एक आदत है बघेल जी का, कि वो कुछ दिन में पलटी मार देते हैं, और ऐसा मेरे साथ हुआ है। जब उन्होंने मुझे दुबई भेजा कि वहाँ जाके अपना काम सेटल करो, लोगों से मिलो, तो मैं गया, मिला भी, और मेरा काम भी बहुत अच्छा सेट हो गया। उसके बाद हुआ ये कि कुछ दिन तक तो अच्छा चला, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आने लगा मेरे काम पे। हमारे हमारे लोग अंदर होने लगे और छूट ही नहीं रहे वो लोग। मैं फ़ोन पे फ़ोन लगाया जाता हूँ, परेशान हो रहा हूँ। तो वापस मैंने वर्मा जी को फ़ोन लगाया, तो बोले कि चलो ठीक है, आप भिलाई आ जाओ, आपका मीटिंग कराते वापस से। अब मैं डर से पहुंच गया भिलाई कि लोग बाहर आ जाएंगे करके। तो वर्मा जी से मैं मिलने गया, वर्मा जी और गिरीश तिवारी मुझे मिले रायपुर एयरपोर्ट रोड पे। वो फिर लेके गए, वर्मा जी तो वहीं उतर गए, फिर गिरीश तिवारी मुझे लेके गए, हमारे उस समय के एसपी हैं प्रशांत अग्रवाल जी, उनसे जाके मेरा मीटिंग कराया। अब मैं उनको अपना प्रॉब्लम पूरा शेयर किया, तब वो फ़ोन घुमाए, और उसके बाद वो बात किए, लाउड स्पीकर में ही था फ़ोन, तो सीधा सीधा आवाज़ तो समझ आ ही रहा था, हमारे बघेल जी का ही आवाज़ था वो। तो पूरा प्रॉब्लम बताने के बाद उन्होंने वहाँ से ये बोला कि कैसे रे सोनी, तेरे को मैं वहाँ भेजा था दुबई काम सेट करने के लिए, तू तो मालिक बन के बैठ गया है, शेख बन गया क्या वहाँ का। अब मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, एकदम मुंह उदास सा हो गया। तो मैंने यही बोला कि सर हम तो छोटे आदमी हैं, आप बताओ क्या करना है, जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। तो बस वो यही बोले कि ठीक है, आप प्रशांत जी से बात कर लो, वो आपको बता देंगे क्या कैसे करना है। मैं बोला ठीक है सर, उसके बाद हम चल गए वहाँ से। उसके बाद प्रशांत अग्रवाल जी से तो डील हो गया था कि क्या कैसे देना है, और वो सब तो मैंने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में भी बता दिया है, उसमें लिखा भी हुआ है सब कुछ रिटर्न स्टेटमेंट में, क्या मैंने किसको दिया है, कैसे दिया है, किसके सोर्स से दिया है, हर कुछ लिखा हुआ है। अब इतना पैसा देने के बाद भी मेरा काम बढ़ नहीं रहा है, अंदर हो रहे हैं लोग, तो क्या मतलब, पूरा फंस गया हूँ मैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर यार। तो प्रशांत अग्रवाल जी के जब मेरा मीटिंग हुआ, उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे भगेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं, उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। उसके बाद भी मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे काम में डिस्टरबेंस हो रहा है इतना ज़्यादा, मैं इतना परेशान हो गया हूँ इस सिस्टम से, अब क्या करूँ समझ नहीं आता है। ज़बरदस्ती का मेरे ऊपर ईडी का कार्रवाई चालू हो गया है, अब ऐसा ऐसा कुछ होगा मेरे साथ, इतना पैसा देने के बाद भी तो मैं क्या करूं बताओ। अब बस मेरा यही लास्ट रिक्वेस्ट है हमारे इंडियन गवर्नमेंट से कि वो बस इतना हेल्प कर दे मेरी कि मैं अब फंस चुका हूँ इस पॉलिटिकल सिस्टम में, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ, और आपको जैसा एविडेंस चाहिए, जैसा प्रूफ चाहिए, मैंने जैसे जैसे पैसा उनको दिया है, हर चीज़ का मेरे पास एविडेंस प्रूफ, हर चीज़ एक एक चीज़ पड़ा हुआ है। तो मैं यही चाहता हूँ कि बस मेरा हेल्प कर दीजिए वहाँ से, मैं भी इंडिया जाना चाहता हूँ वापस। मुझे डर लगता है यहाँ से इंडिया जाने में, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ वापस, वहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा हेल्प कीजिए, यही रिक्वेस्ट है मेरा इंडियन गवर्नमेंट से यार। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।